सब फल पाए। करता है महादेव जो सबके पालनहार, दीनहीन सब भक्तों के शिव ही तारणहार। शंकर देव महान अविनाशी है नाम, शंकर देव महान अविनाशी है नाम। एक दिन आए पृथ्वी पर विचरण करते जाए, देख रहे थे दुनिया को अनुभव भी थे पाए। घोरा को तब भूख लगी मांगे भोजन जाए, शिव के मन में संशय था कुछ भी कह ना पाए। कहां से पाए खीर खांड ढूंढो कहां, जागे नहीं विवेक, किसके घर से लाऊंगा चिंता यही थी। बदल गए हैं लोग, शंकर देव महान अविनाशी है नाम, शंकर देव महान अविनाशी है नाम। उसी गली में बना हुआ बुढ़िया का था मकान,
बनते मेरे भी कार। शंकर देव महान अविनाशी है नाम, शंकर देव महान अविनाशी है नाम। सोमवार की ये कथा जो भी सुनता सुना फल पा जाता सारे सुख मिल जाए। जिस तरह से भर डाले बुढ़िया के भंडार, सब भक्तों पे दया करो हे जग के दातार। शंकर देव महान अविनाशी है नाम, शंकर देव महान अविनाशी है नाम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदया, तन्नो रुद्र प्रचोदया। बोलिए शंकर भगवान की। भक्तजनों, मेरे भोले भंडारी की लीलाओं का वर्णन वेद पुराणों ने और ऋषि मुनियों ने बखाना है। इनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जिस जिसने इस मंत्र का जाप किया उस उसको सृष्टि के सारे सुख मिले और जीवन के अंत में शिवलोक की प्राप्ति भी हुई। तो आइए आज मैं आपको भगवान भोले शंकर के इस पंचाक्षरी मंत्र की महिमा की संगीतमय गाथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने से आपके जन्मों जन्मों के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, आप भौतिक जीवन के समस्त सुख भोगेंगे और जीवन के अंत में शिवलोक को प्राप्त होंगे। तो एक बार फिर बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। जपोरे मन ओम नमः शिवाय, जपोरे मन ओम नमः शिवाय, जपोरे मन ओम नमः शिवाय, जपोरे मन ओम नमः शिवाय। शिव के मंत्र को जपने वाला, शिव के मंत्र को जपने वाला भव सागर तर जाए। जनों, भोले शंकर के पावन पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की पहली पावन कथा है सागर मंथन की। भक्तों, देवता और असुर आपस में सदा युद्ध करते रहते थे। यह देखकर देव गुरु और दैत्य गुरु ने योजना बनाई कि क्यों ना सागर मंथन किया जाए और जिसमें देवों और असुरों को लगा दिया जाए ताकि इनका ध्यान भटका रहे और ये आपस में युद्ध न करें। और सागर मंथन से जो भी निकलेगा देवता और असुर आपस में बराबर बांट लेंगे। यह सोचकर सागर मंथन का निर्णय किया गया। भक्तों, मंदराचल पर्वत को मथनी बना लिया गया। भगवान शिव के गले की शोभा वासुकी नाग को नेति बना लिया गया। श्री हरि भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और सागर मंथन आरंभ हो गया। भक्तों, परंतु यह क्या, पहले ही प्रयास में हलाहल विष बाहर निकला। भक्तों, जिसे ना तो असुर ग्रहण करने को तैयार थे और ना ही देवता। अब सृष्टि पर संकट आ गया था। यदि इस हलाहल को कोई भी धारण नहीं करेगा तो सारी सृष्टि इस हलाहल की अग्नि में जल जाएगी। क्या देव, क्या दानव,
क्या श्री हरि विष्णु, क्या ब्रह्मा जी, सभी भगवान भोले शंकर की शरण में पहुंचे। सभी ने एक स्वर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भगवान शंकर अपने पंचाक्षरी मंत्र को सुन प्रसन्न हुए भक्त सभी के समक्ष आए, हलाहल विष के पात्र को उठाया और उसे पीकर अपने कंठ में बसा लिया। हलाहल विष के कारण भगवान भोले शंकर का कंठ नीले रंग का हो गया, जिससे भक्तों ने उन्हें नीलकंठ का नाम दिया। सभी ने भगवान नीलकंठ की जय जयकार बुलाई। तो आप और हम इस अवसर को क्यों गवाते हैं, मेरे साथ बोलिए भक्तों, बोलिए नीलकंठ भगवान की। हुआ सागर का मंथन, हलाहल विष था निकला, देखा जब विष को सबने, सभी का दम था निकला। शिव की सब शरण में आए, बोले सब नमः शिवाय। शिव जी सन्मुख थे आए, विष को फिर कंठ बसाए। शिव जी सन्मुख थे आए, विष को फिर कंठ बसाए। सारी सृष्टि नीलकंठ की, सारी सृष्टि नीलकंठ की जय जयकार लगा। भक्तजनों, भगवान भोले शंकर के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दूजी पावन कथा है भस्मासुर की। भक्तजनों, भस्मासुर एक भयंकर दैत्य था, अत्यंत बलशाली। अपने बल से तीनों लोकों में हाहाकार मचाए हुए था। उसके अतुलित बल को देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे भगवान भोले शंकर की तपस्या करने के लिए कहा, ताकि भगवान भोले शंकर प्रसन्न हो और उसे अनेकानेक शक्तियों से परिपूर्ण कर दें। भक्तों, भस्मासुर ने भयंकर तपस्या की, घनघोर तप किया, तब जाकर भगवान भोले शंकर उसके सन्मुख प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। पहले तो उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अजर अमर होने का वरदान दीजिए। इस पर भगवान भोले शंकर ने कहा, हे भस्मासुर, ये नीति के विरुद्ध है। जो सृष्टि में आया है उसका जाना अति आवश्यक है। तब भस्मासुर ने पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का घनघोर जाप किया। भगवान शिव अति प्रसन्न हुए, फिर से वर मांगने को कहा। तब भस्मासुर ने वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ धरूं वो तत्काल भस्म हो जाए। मेरे भोले भंडारी ने आव देखा न ताव, तथास्तु कहकर वहां से जाने लगे। परंतु भस्मासुर वरदान की शक्ति को जानने के लिए भगवान शिव के सिर पर ही हाथ धरने चला। भगवान भोले शंकर प्राण बचाते हुए क्षीर सागर में विष्णु जी की शरण में आए। भगवान श्री हरि नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर का अंत किया। तो बोलिए भक्तों मेरे साथ, बोलिए भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की। शिव के पावन मंत्र को भस्मासुर ने था गाया, भस्म वो सबको कर दे ऐसा वरदान तपाया। शिव पे वर आजमाने, असुर भागा फिर आए, मोहिनी बन श्री विष्णु शिव जी के प्राण बचाए। मोहिनी बन श्री विष्णु शिव जी के प्राण बचाए।
चाहे असुर हो चाहे दानव, चाहे असुर हो चाहे दानव, शिव जी से वर पा। भगवान भोले शंकर के पावन चरणों का ध्यान लगाते हुए तीजी कथा सुनाने जा रहा हूं भक्तों। ये कथा रावण से संबंधित है। रावण चाहे कितना बड़ा पापी था भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु को राम रूप में अवतरित होकर उसका अंत करना पड़ा, परंतु रावण परम शिव भक्त भी था। एक बार की बात है भक्तों, माँ गौरा के मन में आया कि वो भी लक्ष्मी की तरह सोने चांदी के महलों में रहे। भोलेनाथ से हट करने लगी। भोले शंकर ने लाख समझाया, हे गौरा, सोने चांदी के महलों में रहना हमारे प्रारब्ध में नहीं है। परंतु माँ गौरा हट करने लगी। इस पर भगवान भोले शंकर ने देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर सोने की ऐसी पावन नगरी बनवाई जिसे देखकर तीनों लोग अचंभित रह गए। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि गृह प्रवेश किससे करवाया जाए। रावण एक प्रकांड पंडित भी था भक्तों, सो भगवान भोले शंकर ने गृह प्रवेश के पूजन के लिए रावण को बुलावा भेजा। रावण आया, भगवान शिव और माँ गौरा के चरणों में नतमस्तक होकर उसने गृह प्रवेश की ऐसी पूजा करवाई के माँ गौरा और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्नता में मेरे भोले भंडारी रावण से पूछने लगे, कहो रावण, तुम्हें दक्षिणा स्वरूप क्या चाहिए। रावण ने सोने की लंका देखी हुई थी भक्तों, सो उसके मन में विचार आया कि क्यों न वो इस सोने की नगरी को ही भगवान शिव से मांग ले। इस हेतु उसने पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का कठिन जाप करना प्रारंभ कर दिया। भगवान भोले शंकर और प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने दान स्वरूप सोने की लंका भगवान शिव से मांग ली और मेरे भोले भंडारी ने एक पल का विलंब किए बिना सोने की लंका रावण को दे दी। गौरा हैरानी से भोले शंकर को देख रही है और रावण ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ सोने की लंका ले जा रहा। शिव के पावन मंत्र को भक्त रावण ने गाया, शिव से वरदान रूप में सोने की लंका पाया। नहीं कोई और महादानी भोले शंकर के जैसा, जिसने जैसी भक्ति की फल भी पाया था वैसा। जिसने जैसी भक्ति की फल भी पाया था वैसा। झोली उनकी भर जाती जो, झोली उनकी भर जाती जो शिव के मंत्र को गा। क्या असुर क्या असुर, दानव मानव किन्नर गंधर्व, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवान शिव के मंत्र के जाप से भोले शंकर की कृपा को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने भी भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र को गाया और सृष्टि के रचयिता बन गए। सारे वेदों का ज्ञान भी भगवान ब्रह्मा जी ने भोले शंकर के पंचाक्षरी मंत्र की महिमा से ही प्राप्त किया। भक्तजनों, सृष्टि के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु ने जब पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया तो लक्ष्मी को पत्नी रूप में प्राप्त किया
और अपने वांग अंग में स्थान दिया। इंद्र को वज्र और ऐरावत और उच्चैःश्रवा घोड़ा भी भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र के जाप से ही प्राप्त हुआ। ऐसे ही भक्तों, जिस जिसने भी भगवान भोले शंकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया, उसने सदा मनचाहा फल प्राप्त किया। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से बोल दीजिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी मंत्र को गाए, बने वेदों के ज्ञाता, सृष्टि को रचने वाले बने वो भाग्य विधाता। सृष्टि को रचने वाले बने वो भाग्य विधाता। विष्णु ने मंत्र को गाया, बने वो पालनहारे, पत्नी लक्ष्मी को पाए वाम अंग अपने धारे। पत्नी लक्ष्मी को पाए वाम अंग अपने धारे। आओ भक्तों साचे मन से, आओ भक्तों साचे मन से, शिव के मंत्र को गाओ। जनों, इस पंचाक्षरी मंत्र में इतनी शक्ति है कि जिसने भी इसे सच्चे मन से जपा, उसका कल्याण निश्चित ही हुआ। भागीरथ की कथा सुनाता हूं भक्तों, जिसके पुरखे राख बनकर प्रेत योनि में भटक रहे थे। मां गंगा को धरा पर लाने के लिए उसने ब्रह्मा और विष्णु की घनघोर तपस्या की। ब्रह्मा जी और विष्णु जी गंगा जी को धरा पर भेजने के लिए तैयार भी थे, परंतु प्रश्न यह था कि माँ गंगा का भारी वेग कौन धारण करेगा। इस पर भागीरथ ने भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का घनघोर जाप किया, भगवान भोले शंकर को प्रसन्न किया और उन्हें मना लिया कि माँ गंगा को अपनी जटाओं में रोककर एक पावन धारा धरती के लिए छोड़ दे। भगवान शिव ने ऐसा ही किया भक्तों। माँ गंगा एक निर्मल धारा के रूप में भागीरथ के पीछे पीछे धरा पर आई और उसके पुरखों का उद्धार कर दिया। ऐसे ही भक्तों, यदि आप भी जन्म जन्म के पापों का नाश करवाना चाहते हैं, भोले शंकर की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर में जाएं, उनके शिवलिंग को गंगा जल से नहलाएं, बेल पत्र भांग धतूरा अक्षत घी चंदन इत्यादि चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करें तथा एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आपके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, जीवन के समस्त सुख भोगकर अंत में आप भगवान शिव की शरणागति को भी जाएंगे। तो मेरे साथ प्रेम भाव और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। जो कलयुग के पापों से मुक्ति को पाना चाहो, आए जब सोमवार तो शिव जी के मंदिर जाओ। आए जब सोमवार तो शिव जी के मंदिर जाओ। करो गंगा जल अर्पण, दूध और दही चढ़ाओ, घिसो फिर प्रेम से चंदन, श्रद्धा से तिलक लगाओ। घिसो फिर प्रेम से चंदन, श्रद्धा से तिलक लगाओ। बीच भंवर नैया ना डोले, बीच भंवर नैया ना डोले, भवसागर तर जाओ।